Hey guys, this is Subham Kumar. Welcome to our channel that is Detail Mathematics. So, this is the one short lecture of the Euclid Geometry. Pura chapter Euclid Geometry khatam kar chuke jitna bhi theory tha, questions tha kuch jisme jitna bhi axioms, postulates, phir theorems, saath mein saath phir corollary jo bhi tha, jitna bhi tha sab complete kar chuke. Ab jo hum one short lecture la rahe hain isme pura badhiya tarah ka example karenge jo sare axioms, postulates ये सब उसी से रिलेटेड है. ठीक है, सो होप करते हैं कि आप सारे एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स आप देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे और याद कर लिए होंगे. ठीक है, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें एग्जाम्स नंबर और पोस्टुलेट्स नंबर हमको देना पड़ेगा जब सवाल सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सो पहला क्वेश्चन लेते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखते क्या है. लेट, मतलब लेट नहीं, इफ बोलते, इफ ए B and C are three points. ठीक है, if A, B and C are three point, ठीक है, and B lies between A and C. क्वेश्चन को देखिए, and B lies between A and C, then prove that क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये चीज प्रूव करना है. देखिए देखिए कैसे प्रूव होगा, देखिए देखिए कैसे प्रूव होगा. इफ अगर ए बी सी तीन पॉइंट्स है, ए बी सी जो है ये तीन पॉइंट्स है. ठीक है, ठीक है, तीन पॉइंट है. एक चीज और लिख देते हैं यहां पर, थ्री पॉइंट्स ऑन लाइन, ऑन लाइन ए बी सी तीन पॉइंट है, वो किस पे है, लाइन है. सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन बनाएंगे. चलिए ये लाइन बन गया, इसमें ए बी सी तीन पॉइंट है एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, और बी जो है, बी जो पॉइंट है वो ए और सी का बीच में लाई करेगा. मतलब ए और सी क्या होगा, साइड में होगा. ये मान लीजिए ए है और साइड में इधर मान लीजिए सी है. ठीक है, तो बीच में क्या होगा, बी होगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. समझ आना, क्वेश्चन के हिसाब से बी जो है बीच में होगा. ठीक है, तो अब बोल क्या रहा, बोल ये रहा कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी. देखिए ए बी जो ये पार्ट है प्लस बी सी जो ये पार्ट है, ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, ए सी. मतलब ए सी मतलब ये पार्ट, यही प्रूव करने बोल रहा. तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं. इसको मिटाए, चलिए मिटाते इसको. देखिए तो इसको प्रूव करना क्या था, लाइन जो था ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना था ना. ए बी प्लस लिख देते हैं बी सी इज इक्वल टू ए सी. ठीक है, ये प्रूव करना था. सो प्रूफ, सबसे पहले याद कीजिए एक्सियम्स नंबर फोर. फोर एक्सियम में क्या बोले थे, एक्सियम फोर याद कीजिए, एक्सियम फोर जो हम बहुत अच्छे से समझाए थे, बहुत अच्छे से समझाए थे. वो क्या बोलता था, वो ये बोलता था द थिंग्स, द थिंग्स विच कोइंसाइड्स ऑन अदर्स आर, द थिंग्स विच कोइंसाइड ऑन अदर्स आर इक्वल टू वन अदर, था ना. था ये बात. चलिए तो यहां पर से क्या हो गया, द थिंग्स विच कोइंसाइड ऑन द आर इक्वल टू वन अदर. देखिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. देखिए इसको मिटा दे, चलिए देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन होगा. जो भी थिंग्स है, द थिंग्स दैट विच कोइंसाइड, मीन्स कोइंसाइड क्या बोला, देखिए कोई भी थिंग्स मान लिया, कोई भी चीज़ एक पॉइंट है. थिंग्स मतलब क्या, पॉइंट मान दें. एग्जाम्स जो एग्जाम्स जाके लेक्चर देखिए उसमें बहुत अच्छा समझाएं.
जो कोई भी थिंग्स इसको पॉइंट मान लीजिए, ये क्या है, कोई थिंग्स मान लीजिए, ठीक है, ये थिंग्स है विच कोइंसाइड टू वन अदर, एक और चीज है, मीन्स एक और थिंग्स है जो पॉइंट ही है, वो क्या कर रहा, कोइंसाइड कर रहा, कोइंसाइड कर रहा एक लाइन पे, ठीक है, एक लाइन पे कोइंसाइड मीन्स एक लाइन पे करेगा, करेगा ना, करेगा, आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर कब होगा, इक्वल टू वन अनदर कब होगा, देखिए ये दोनों बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ध्यान से देखिए, ये दोनों अगर इक्वल है, बीच में एक और पॉइंट आ गया, मान लीजिए वो बी है, ये ए है और ये बी और ये सी है, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल है, ये दोनों ध्यान से पहले इस पे गौर किए, ये दोनों अगर इक्वल है, इसको समझिए, ये दोनों अगर इक्वल है तो अगर बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट ला देंगे जो इसी लाइन पे लाई करेगा, इसी लाइन पे लाई करेगा, मतलब ये क्या होगा कि इसको डिवाइड करेगा, कोई भी पॉइंट बीच में अगर इसी लाइन पे ला देंगे मतलब ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अगर कोई भी चीज़ मान लीजिए चौक है, ठीक है, मान लीजिए चौक है, ठीक है, ये चौक, ये चीज़, ये जगह सेम है, ठीक है, ये जगह सेम है, बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट लाते हैं, बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट लाते हैं और इस पॉइंट से क्या करते हैं, कट कर देते हैं, तो ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी, ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी। अब ये दोनों, और ये साइड का था ए और ये साइड का था सी, और बीच वाला पॉइंट क्या था, बी बी था, और ये बीच से तोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ना, ठीक यही कंसेप्ट यहाँ पर लगा, इसको समझिए, एक्सियम्स फोर्स को समझिए, यही बोलना चाह रहा इसमें, यही बोलना चाह रहा। सो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्सियम्स फोर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एक्सियम्स फोर इट इज प्रूव्ड दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी। बात समझ में आ गया, समझ में आ गया, कितना इजी था, इजी था ना, चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ गिवन फिगर, पहला बात तो फिगर दे दिया, ये फिगर है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट दिया, ठीक है, ए बी सी डी चार पॉइंट है। इन अ गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्या बोल दिया है, ए बी जो है, ए बी ये बी डी के बराबर, किसके बराबर है, नहीं सॉरी, यहाँ सी डी होगा, यहाँ बी डी नहीं होगा, क्या होगा, सी डी होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये बोल दिया है, ए बी जो है सी डी के बराबर है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। देन देन क्या बोल रहा, प्रूव दैट, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसमें कुछ गलती हो रहा, अच्छा ऐसे बोला है ना, अच्छा अच्छा ये बोला है बी डी बराबर, सही है, सही है, क्वेश्चन ही सही था, क्वेश्चन सही था, हम ही गलत थे, क्वेश्चन सही से देखे नहीं, देखिए क्या बोल रहे इसमें, देखिए ध्यान से देखिए, इन अ गिवन फिगर, एक फिगर दे दिए इसमें, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ए सी, ए सी जो है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी जो है बी डी के बराबर, मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। देन देन प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, मीन्स प्रूव क्या करना है, ये जो है, ये ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर, ये दोनों प्रूव करना, ठीक है, ये इसके बराबर प्रूव करना। तो प्रूव कैसे होगा, कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए, याद कीजिए एक्सियम नंबर टू, एक्सियम नंबर टू, सो अकॉर्डिंग टू एक्सियम टू, यूक्लिड एक्सियम टू, समझा ना, वी नो दैट क्या जानते हैं, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स आर ऑलवेज इक्वल। देखिए क्या बोलना चाह, देखिए
एक्सियम टू क्या बोलता है कि इफ वी नो दैट द इक्वल्स, जो कोई भी एक इक्वल्स है, याद कीजिए वो, आप अगर आपको एक्सियम्स नहीं पता तो आप मेरा इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री का सारा एक्सियम्स जाके बढ़िया से एक एक एक्सियम को अच्छा से डिटेल में डिस्कस किए, ठीक है। इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स आर ऑलवेज इक्वल्स, कैसे, ये एक्सियम्स है, बट इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लिए, देखिए देखिए कैसे प्रूव होगा, इसको ध्यान से देखिए। गिवन क्या, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये क्या गिवन है, ध्यान से देखिए इसको, गिवन है, ठीक है। बी सी जो है, बी सी एक लाइन है, ना, बी सी यहां मान लेते लेट बी सी बी लाइन सेगमेंट, है, ठीक है, लाइन सेगमेंट, ठीक है, चलिए ये मान लिए। अब क्या करते हैं, ए सी बी डी के बराबर है, मतलब 5 इज इक्वल टू 5, 4 इज इक्वल टू 4, 3 इज इक्वल टू 3, कुछ भी है बट ये दोनों सेम है, ठीक है। अब क्या करते हैं, बी सी को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी तरफ से, दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेट सब्ट्रैक्ट बी सी फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए कैसे होगा। ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, ये होगा क्या, ये होगा, होगा ना, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा दिया जा, देखिए ये ऐसे था ना, ए बी सी डी ये ऐसे था ना, देखिए क्या ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी होगा, बी सी बी सी दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, कर दिया ना सब्ट्रैक्ट, देखिए ए सी माइनस बी सी, क्या होगा, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, ए बी, बीच में इक्वल टू, डाले बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी क्या गया, सी डी, लीजिए प्रूफ हो गया ना, कितना इजी था, ना इजी, ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ हो गया, कितना इजी था, ना, चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कर लिया, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, इन द गिवन फिगर वी हैव एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, एक फिगर दे दिया, ठीक है, ये क्या है, ये रोम्बस है, ठीक है, इसको पहचान लीजिए, ये क्या है, रोम्बस, इस रोम्बस में क्या बोल रहा है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, मीन्स ये जो एंगल है ये इसके बराबर है, ठीक है। गिवन क्या, पहले नोट कर लेते हैं, गिवन क्या क्या है, नोट कर लेते हैं, गिवन क्या दिया, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, ठीक है, और गिवन क्या दिया, एंड एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर, और एक गिवन क्या दिया, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर, ठीक है, दो गिवन है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री एंड एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर, सो दैट, सो क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये सो करना है, ठीक है। देखिए एंगल वन जो है एंगल थ्री के बराबर है, चलिए ठीक है, ये भी माने, एंगल टू जो है एंगल फोर के बराबर है, ठीक है, चलिए ये बात भी माने, ये दोनों कंडीशन दे दिया। अब हमको इस रोम्बस को ध्यान से देखिए, यहाँ से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, इसको ध्यान से देखिए, पहले एंगल ए किसके बराबर है, एंगल वन प्लस एंगल टू, है ना, यहाँ से आपको समझ में आया, एंगल ए बराबर एंगल वन प्लस एंगल टू, है ना, देखिए आइए इधर देखिए, एंगल सी जो है वो किसके बराबर है, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, है ना, गिवन, ये समझ में आ रहा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल टू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, ये बात क्लियर, चलिए याद कीजिए एक्सियम्स टू, इसमें भी एक्सियम्स टू लगे हो, एक्सियम्स टू में क्या क्या बोलता था, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स
then the product which will come out, that will be equal. If equals are subtracted to equals, then the product which will come out, that is also equals. देखिए क्या बोलना चाह रहा, ध्यान से देखिए. अगर मान लीजिए ये एक इक्वल है, ये एक इक्वल है ना, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, एक इक्वल है, तो एक क्या करते हैं, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री लिख दिए. चलिए ये भी एक इक्वल है ना, चलिए इसको इक्वेशन वन ले लेते हैं. क्या करते हैं, इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन टू ले लेते हैं. ठीक है, ये इक्वेशन वन, इक्वेशन टू क्या होता है, ये देखिए इसको एक इक्वेशन मान लिए, मान लिए कि ये इक्वेशन है. इक्वेशन क्यों है, क्योंकि बीच में इक्वेट है. अगर बीच में इक्वल का साइन आया तो वो एक इक्वेशन बनेगा ही बनेगा, कंफर्म है, कंफर्म वो एक इक्वेशन बनेगा ही बनेगा. अगर बीच में इक्वल है तो वो एक इक्वेशन है, समझ में आ रहा है, ये भी इसका भी बीच में इक्वल है, मतलब ये भी इक्वेशन है. इक्वेशन इक्वेट, इक्वेट इक्वेशन, समझ में आ रहा ना, वहीं से बात वर्ड्स आया. ठीक है, ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू. सो इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर. ये दोनों को अगर जोड़ेंगे, ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कंक्लूजन क्या मिलता है, यहां लिख देते हैं, वन प्लस टू क्या होगा, एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस फोर, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर. ये चीज हमको प्रोडक्ट में मिल के आएगा, आएगा ना, ये चीज हमको वापस मिल के आएगा. सही मारा, इसको किधर मिटाए, ऊपर मिटाते कुछ. ठीक है, देखिए ये चीज, ठीक, ये हमको मिला, क्या मिला हमको, क्या मिला फाइनली, क्या मिला, एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर. ये चीज मिला हमको, ये चीज एंगल को डिनोट करता है. ठीक है, ये एंगल को डिनोट करता है. सो अब यहां से देखिए, एंगल वन प्लस एंगल टू, एंगल वन प्लस एंगल टू क्या होता था, एंगल ए होता था ना, एंगल ए. तो क्या होगा, एंगल वन प्लस एंगल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर क्या होता था, ये एंगल सी. सो यहां से हमको कंक्लूजन मिल गया, यहां से क्या कंक्लूजन मिला, कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. सो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया. आप इसमें एग्जाम्स टू भी लिख सकते हैं, बीच में आपको ये लिखना मत भूलिएगा. ठीक है, ये आपको तो करना ही है, साथ में बीच में आपको ये भी लिखना है. एग्जाम्स टू में क्या लिखना है, बीच में आपको लिखना है, हम हमेशा लिख नहीं रहे बट आपको लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स टू क्या लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स टू, नहीं तो फिर मार्क्स कट जाएंगे. अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स टू वी नो दैट इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन, या फिर देन की जगह पर आर लिख सकते हैं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स आर इक्वल, आर इक्वल, आर इक्वल्स. ठीक है, ये आप बीच में एग्जाम्स लिख दीजिएगा. ठीक है, समझ में आ रहा ना, चलिए इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए, चलिए वेरी गुड. सो प्रोबेबली दिस इज द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज लेक्चर. ओके, इन अ गिवन फिगर वी हैव एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री एंड एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर. सो प्रूव दैट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. स्टक, आखिरी क्वेश्चन थोड़ा स्टक हो गया होगा. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा, कि इन्हें गिवन फिगर, एक फिगर दे दिया. ठीक है, हमारी मातृभाषा ही सबको समझ में आती है, इंग्लिश भी आती है, ऐसा नहीं है, बट क्वेश्चंस थोड़ा पढ़ने का नजरिया होना चाहिए. देखिए, सब बात छोड़िए, यहाँ क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. इन अ गिवन फिगर, ठीक है, कोई एक फिगर दिया हुआ है, कौन फिगर दिया हुआ, ये फिगर दिया हुआ है, ये एक फिगर है, इसमें क्या हो रहा है, वी हैव एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, मीन्स ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है. गिवन क्या है, गिवन क्या है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री. ठीक है, चलिए ये एक इक्वेशन हो गया. दूसरा क्या, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर. चलिए एक और बात हो गया,
तीसरा क्या, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। चलिए ये बात भी हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, ये बात हो गया, ठीक है। सो टू प्रूव, प्रूव क्या करना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये बात प्रूव करना, समझ में बात समझ में। चलिए ये सिर्फ क्वेश्चन था, देखिए प्रूव कैसे होगा, देखिए देखिए याद कीजिए एक्सियम्स 1, पहला एक्सियम्स, पहला यूक्लिड एक्सियम्स क्या बोल रहा था, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सियम्स 1, ठीक है, एक्सियम 1 वो क्या बोल रहा था, इक्वल्स आर इक्वल टू वन अनदर, इक्वल्स आर इक्वल टू वन अनदर यही था ना, इक्वल्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए इसमें क्या बोल रहा था, देखिए वन अनदर, देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा, ध्यान से देखिए, इसमें ये बोलना चाह रहा है इफ इफ ए इक्वल टू बी, ऐसा कुछ कंडीशन दिया, एंड बी इज इक्वल टू सी, दो कंडीशन दिया है, इफ ए इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर और बी सी के बराबर है, ए बी के बराबर और बी सी के बराबर, देन देन तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये जो बी है ये तो ये बी दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, ए जो होगा सी का बराबर होगा, यही बात बोलना चाह रहा। देखिए कैसे होगा, अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, बड़ी बहुत बढ़िया समझा चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए जो है वो सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको किस में अप्लाई करते हैं, इस पे इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ठीक है, देखिए कैसे अप्लाई होगा। देखिए यहाँ क्या बोल रहा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आप इस दोनों को ध्यान से देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, कुछ घूम रहा दिमाग में, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, कुछ याद आ रहा है, तो देखिए अगर ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी है तो फिर क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये होगा ना, ए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, ये चीज होगा ना, होगा। और यहां पर देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, अब यहां पर यहां से देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये बात बोला गया पहले से बोला गया ना, अब यहां पर से हमको निकल के क्या आया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अब यहां देखिए ए इज इक्वल टू बी एंड देखिए, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, अरे भैया 1 इज इक्वल टू 1, 1 इधर लिखे चाहे उधर लिखे, 2 इज इक्वल टू 2 इधर लिखे चाहे उधर लिखे, बात वही पड़ता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना। देखिए इसको बढ़िया से फ्रेश में लिखते हैं तब बढ़िया समझ में आएगा, इसी बात को सिर्फ लिख रहे हैं, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है, इसी बात को उल्टा करके लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, 2 जो है मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये बी है और ये सी है, क्योंकि 4 बी है, देखिए ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी, तो यहाँ से हमको क्या कंक्लूजन मिला, सो वी गेट क्या मिला, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हो गया प्रूव्ड, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया ना, कितना सिंपल था ना। सो यहाँ पर हम यूक्लिड ज्योमेट्री का वन शॉट लेक्चर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसमें हम लगभग हर एक टाइप का सवाल करा चुके हैं, क्योंकि यही सबसे टाइप के सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं,
और सिंपल सिंपल जो ट्रू फॉल्स सवाल पूछे जाते हैं वो मेरे लेक्चर्स में बहुत अच्छे से हम कराएं, बहुत अच्छे से थ्योरी बताएं, मतलब वो कैसे होता है, क्या एग्जाम्स कॉरोलरी, ये सब बहुत अच्छे से हम कराएं। आप मेरे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, इसमें बहुत डिटेल में जाए, इतना डिटेल में शायद ही कोई जाता है, स्कूल में तो एकदम नहीं। ठीक है, सो इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।